सो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ वीडियो एडिटिंग ट्रिक्स, जिन्हें आप अगर यूज़ करोगे वीडियोस के अंदर तो आपको काफ़ी कमाल का रिजल्ट्स मिलने वाला है। और रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की थी कैसे आपने सिनेमैटिक शॉट्स को लेना है अपने सेल्फी स्टिक को यूज़ करके एंड्रॉयड फ़ोन के साथ। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई हमें बताओ कि कैसे आपने इस वीडियो को एडिट किया है। तो इसको एडिट करने के लिए हम यूज़ करेंगे VN ऐप को मोबाइल के अंदर ही, और कैसे आपने कलरिंग करनी है, कैसे म्यूज़िक के साथ सीन्स को लगाना है, और कैसे मैंने इस वीडियो को एडिट किया था। सो बहुत सारे बंदे एक मिस्टेक करते हैं सिनेमैटिक शॉट्स को एडिट करते वक्त। वो मिस्टेक क्या होती है कि जिसकी वजह से हमारे सिनेमैटिक शॉट्स प्रोफेशनल नहीं दिखते हैं। तो सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपने सिनेमैटिक शॉट्स को एडिट करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्टार्ट। सो मैं VN ऐप के अंदर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपने उस क्लिप को इंपोर्ट करना है VN ऐप के अंदर कि जिसके ऊपर आपने एडिटिंग करनी है। अब सबसे पहले आपने सेट करना है यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशो को। तो सिंपली आपने ऊपर आना सेंटर में, जहाँ पे आपको ओरिजिनल दिख रहा है, मतलब कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो को मतलब कि एडिट कर रहे हो, इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो या फिर यूट्यूब के लिए कर रहे हो। अब जैसा कि ये जो उनसे वीडियो मैंने बनाई थी यूट्यूब के लिए, तो सिंपली मैं जाऊँगा ऊपर ओरिजिनल के ऊपर और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा 16.9, जो उनसे हमारी यूट्यूब की एक्सपेक्ट रेशो है। तो ये वही वीडियो है जिसको मैंने मतलब कि शूट किया था सैमसंग गैलेक्सी S21 FE से। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सैमसंग का कैमरा कितना अच्छा परफॉर्म करता है। और जिनको लगता है कि भाई एंड्रॉयड फ़ोन्स तो वीडियोग्राफी कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है, पिछले हफ्ते मैंने बनाई है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ। और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स भी बहुत ही कमाल के सिनेमैटिक शॉट्स ले सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि म्यूज़िक को इम्पोर्ट करूँगा। तो म्यूज़िक को इम्पोर्ट करने के लिए सिंपली मैं जाऊँगा टैब टू ऐड म्यूज़िक के अंदर, और यहाँ से जाऊँगा म्यूज़िक के अंदर। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी ऐसी कौन सी वो मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपके सिनेमैटिक शॉट्स प्रोफेशनल नहीं दिखते हैं। अब सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पे मेरी जो सी लेंथ है क्लिप की वो कितनी है, मतलब कि काफ़ी बड़ा मैंने क्लिप लिया हुआ है, कि इसमें अगर मुझे कोई पार्ट रिमूव करना है या कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब भी आपने कोई क्लिप को शूट करना है तो उसकी लेंथ आपने लंबी रखनी, मतलब कि लेंथ ही रखना है उसको। ऐसे नहीं आपने कि 2 सेकंड का शूट कर लिया, 5 सेकंड शूट कर लिया या फिर 10 सेकंड का, एटलीस्ट आपने 30 सेकंड्स हो गए या फिर 1 मिनट तक आपने एक सिनेमैटिक शॉट निकालना है, कि अगर उसमें से कोई खराबी भी आती है बाद में तो उसको आप सही कर सको। अब मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे चेक करो कि ये क्लिप की जो उनकी लेंथ है वो कितनी लंबी है, मतलब कि अगर मुझे यहाँ से कुछ कट शॉट भी करना है और कौन सा हिस्सा मुझे रखना है, कौन सा डिलीट करना है, तो मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरा सीन ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है। अब मैं सिंपली लगाऊंगा कट। तो कट लगाने के लिए आपने नीचे आना स्प्लिट वाले ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से आपने जो उनसी पीछे वाली वीडियो उसको कर देना डिलीट, और इसको भी आपको कर देना डिलीट। अब यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। सो अब यहाँ पे मैं इस सीन को करेक्ट करूँगा। करेक्ट करने के लिए अभी आपको लग रहा होगा कि ये सीन अच्छा है, पर यहाँ पे एक मिस्टेक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सा सीन है, अगर मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ, सबसे पहले तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मतलब कि मुझे इसको स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है, सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात हमारी यहाँ पे ये आती है कि मैं चाहता हूँ कि ये पहले वाला हिस्सा मतलब कि डिफोकस हो और धीरे से फिर मेरा सब्जेक्ट रिवील हो, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है सिनेमाटोग्राफी के अंदर। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको रिवर्स करूँगा। तो रिवर्स करने के लिए सिंपली मैं नीचे आऊँगा और नीचे आके यहाँ से करूँगा रिवर्स। तो यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा रिवर्स हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे नोटिस करो कि पहले से ये वाला सीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मतलब कि धीरे से रिवील हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक हमारा पहली करेक्शन होगी। सो फिर हम लगाएंगे इसके अंदर स्लो मोशन का तड़का। तो स्लो मोशन करने के लिए सिंपली आपने नीचे आना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है स्पीड को, और स्पीड के अंदर जाके सिंपली आपने सेलेक्ट करना है रेगुलर, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है 0.5% या फिर 0.6%। उसको करते हैं डन। और ये जो सा क्लिप है ये मैंने शूट किया था 60 FPS के ऊपर, और कुछ क्लिप्स मैंने शूट किए थे 30 FPS के ऊपर। अब यहाँ पे नोटिस करना ऑडियो को, कि ऑडियो की जो सी वेव्स हैं वो कैसे चेंज हो रही हैं। पहले तो एक वॉयलिन जा रही है, वॉयलिन की जो सी ट्यून आ रही है, ऐसे करके एक वेव जा रही है, उसके बाद जो सी हमारी दूसरी वेव आती है ऑडियो की, वो एकदम से हाई पिच पे जा रही है। तो जब भी आप वीडियो को एडिट करने बैठ रहे हो तो हेडफोन्स का यूज़ किया करो, क्योंकि हेडफोन से पता लगता है हमें कि कहाँ पे कौन सी रेंज आ रही है ऑडियो की और ट्रेबल कहाँ पे है, बेस कहाँ पे है। तो हाईली रिकमेंड है कि जब भी आपने वीडियो को एडिट करना है, अगर प्रोफेशनल करना है तो भाई इस तरीके से चलना पड़ेगा। अगर आप हॉबी के लिए कर रहे हो कि चल एडिट कर लेते हैं, ठीक है हो जाएगा, नहीं फिर तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे सभी करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले करना है आपने चेक करना है कि आपकी जो सी रेंज है ऑडियो की वो कहाँ पे चेंज हो रही है। अब मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ और ध्यान से सुनना
बिल्कुल भी स्किप मत करना इस पार्ट को। अब यहाँ पे कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे वेव्स जा रही हैं, ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट करता हूँ एक बार में। अब यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा वीडियो के अंदर, तो सिंपली मैं जाऊँगा नीचे स्प्लिट वाले के ऊपर और यहाँ से लगाऊंगा कट, और यहाँ पे मेरा कट लग जाएगा। अब जहाँ तक मेरा जोन सा है वो वॉयलिन का जो पार्ट है टैंड ऐसे ऐसे करके जो जा रहा है, ठीक है, उसको मैं चेक करूँगा कि कहाँ तक वो जा रहा है। और थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ और यहाँ से करते हैं वीडियो को प्ले। तो अब मैं यहाँ पे कट लगाऊंगा, तो कट लगाने के लिए सिंपली आने आने नीचे स्प्लिट वाले ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे मेरा कट लग जाएगा। और अब मैं इस पार्ट को कर दूंगा फास्ट मोशन में कन्वर्ट, कि जिसकी वजह से ये बीट के साथ मैच हो जाए और जो सा हमारा बंदा वीडियो देख रहा है, जो सा हमारा व्यूअर है, उसको लगे कि हाँ इसको बीट्स के साथ खेलना आता है। तो अब मैं जाऊँगा नीचे स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ से चूज करूँगा रेगुलर, और रेगुलर को थोड़ा सा मैं आगे कर दूंगा, मतलब कि उसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा। और यहाँ से मैंने कर दिया 7.0x और यहाँ से करेंगे ओके। सो यहाँ से करते हैं वीडियो को प्ले और चेक करते हैं कि हमारा इफेक्ट कैसे बना है। अब यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि एकदम से हमारा जो सा बीट के साथ सीन है वो चेंज हुआ है। अगर मैं आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे फिर से कट लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी पिच फिर से मतलब कि हाई पे जा रही है वो जिस तरीके से, ठीक है। अब मैं जाऊँगा नीचे स्प्लिट वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ से लगाऊंगा कट और थोड़ा सा आगे आऊँगा कि जहाँ तक हमें रिवील करना अपने सीन को, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं लगाऊंगा एक कट, और कट को लगाने के बाद सिंपली मैं जाऊँगा नीचे स्पीड वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ से इसकी स्पीड को कर दूंगा हाई थोड़ा सा, और यहाँ से मैंने कर दिया 4.4x और सिंपली मैं यहाँ से करूँगा डन। और यहाँ से एक बार करते हैं वीडियो को प्ले फिर से। तो कुछ इस तरीके से आपका एक सिनेमेटिक शॉट तैयार हो जाएगा, मतलब कि ऐसे नहीं कि जस्ट आपने शूट किया, आपने लेंथ भी चेक नहीं करी है उसकी, और आपने ये भी चेक नहीं करा कि वो जो सा हमारा शॉट है वो रिवर्स होके सही लग रहा है या फिर वो नेचुरल सही लग रहा है, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि एंड में आपको थोड़ी सी वैरायटी ऐड करनी है, तो सिंपली आपने आना एंड वाले क्लिप के ऊपर और यहाँ से इसको करना है सिंपली आपने डुप्लीकेट, ठीक है। और फिर से आपने ये करना है कि इस क्लिप को आपको कर देना है रिवर्स, लाइक कुछ नीचे आना आपने और यहाँ से इसको कर देना सिंपली आपने रिवर्स। और अब मैं फिर से प्ले करता हूँ वीडियो को। और रिवर्स करने के बाद अब आपने इसको थोड़ी सी इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देना है कुछ ऐसे हल्का सा। सो मैं यहां से करता हूँ वीडियो को प्ले। से मैं करूंगा कलर ग्रेडिंग स्टार्ट, तो सबसे पहले हम आएंगे नीचे फिल्टर वाले ऑप्शन के अंदर और यहां से जाएंगे डस्ट के अंदर और सबसे पहले एडजस्ट करेंगे ब्राइटनेस को, और ब्राइटनेस को मैं करूंगा हल्का सा प्लस में करेंगे, ठीक है, +3। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और जाएंगे हम हाइलाइट्स के अंदर, तो यहां से मैं इसको करूंगा एटलीस्ट 40 प्लस कर दूंगा 42%, ठीक है। और फिर मैं आऊंगा शेडोज के अंदर, तो शेडोज के अंदर आके सबसे पहले मैं सेट करूंगा एडजस्टमेंट को इसकी और शेडोज को थोड़ा सा कर दूंगा प्लस में +8, ठीक है। और यहाँ से मैं आऊँगा थोड़ा सा पीछे और शार्पनर के अंदर आना आपने, और शार्पनर के अंदर आके आपने इसको कर देना प्लस में एटलीस्ट +7, कि जिसकी वजह से आपका जो सा कलर कॉन्ट्रास्ट है, जो सा आपकी वीडियो थोड़ी सी क्रिस्प होके आए, इसको ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो आपका इफेक्ट फेंक लेगा, वीडियो आपकी फट जाएगी, उसमें नॉइस आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ और वाइब्रेंस को हल्का सा मैं करूँगा माइनस में एटलीस्ट -5 और यहाँ से करूँगा अप्लाई टू ऑल। अब मैं यहाँ से जाऊँगा फिर से फिल्टर के अंदर, अब मैं यहाँ से वही फिल्टर यूज़ करने वाला जोन से मेरे खुद के फिल्टर हैं और इसका लिंक मैं बहुत बार अपनी वीडियोस के अंदर दे चुका हूँ। और कुछ बंदे बोलते हैं कि उनके फ़ोन के अंदर लट्स डाउनलोड नहीं हो रही हैं, तो सबसे पहले आपने VN ऐप को अपडेट करना है प्ले स्टोर के अंदर या फिर ऐप स्टोर के अंदर जाके, या फिर आपको अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके फ़ोन के अंदर सपोर्ट करें या नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे सिंपली मैं नीचे आता हूँ और यहाँ से चूज़ करता हूँ अच्छा सा फिल्टर। अब मैं यहाँ से चूज़ करने वाला हूँ PJ सिनेमैटिक आइडियाज़ का जो सा हमारा 6 नंबर वाला फिल्टर है, ठीक है। और ये फिल्टर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रहा है और इसकी इंटेंसिटी को मैं करूँगा हल्का सा नेचुरल, ठीक है, 68% या 70% कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से करूँगा अप्लाई टू ऑल और यहाँ से करता हूँ फिर से शुरू से वीडियो को प्ले। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने सिनेमैटिक शॉट्स को एडिट कर सकते हो VN ऐप के अंदर, और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जस्ट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपने सीन कैसे शूट करना है, उसकी लाइटिंग कैसी है, और उसके बाद आपको उसको एडिट करने जब बैठना है
तो उसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा ऐसे। थैंक यू।